subscribe and press the bell icon to never miss a video from news. अपनी इज्जत तक दांव में लगा दी और इस समी ने अपने भाई के साथ तक मेरे से गंदगी करवा दिया, वो भी मैंने सहा घर संसार बचाने के लिए। एक औरत आज तक इस जमाने में भी इतनी मजबूर हो रही है और जब मैं लड़ने के लिए उठी हूँ तो आप लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं और ये भी मैं बर्दाश्त करूँ? क्यों बर्दाश्त करूँ? क्योंकि मैं औरत हूँ। हर औरत के पेट से हर मर्द जन्मता है और औरत की अगर वजूद ना हो तो मर्द की वजूद कैसे बनेगा? एक औरत की इज्जत नहीं बचाओगे तो कैसे आप लोगों की वजूद बचेगा? इसलिए मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। ये कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये औरत की इज्जत के सम्मान की बात है। समी ने मेरी इज्जत बर्बाद करी है, तुबा की इज्जत बर्बाद करी है, इन लड़कियों की भी इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। अगर आगे चल के भी आप लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं तो कितनी लड़कियां बर्बाद हो जाएगी। मैं सामने आई हूँ, सब सामने नहीं आएगा तो क्या ऐसे ही लड़कियां लूटते रहेंगी, अपनी इज्जत गवाते रहेंगी? और आप लोग तमाशा देखेंगे कि अरे सेलिब्रिटी है वो तो ऐसा करेगा ही। क्यों करेगा सेलिब्रिटी ऐसा? आप लोग रोकिए इन सब चीजों को कि गंदगी नहीं कर सकते। ये एक पाक साफ जगह है, एक इंटरनेशनल फिगर हो तुम पाक साफ जगह में ऐसे गंदगी नहीं कर सकते। इस चीज को रोकिए, इन चीज के लिए आवाज उठाइए। मुझे गाली देकर क्या करेंगे आप लोग? मुझ पे उंगली उठाकर क्या करेंगे? जो सच्चाई है वो आ गया आप लोगों के सामने, और भी सच्चाई है सब आ जाएंगी सामने। फिर कब तक समी के ऊपर चापलूसी मारेंगे आप लोग? आप लोग मेरा साथ दीजिए समी को झुकाने के लिए, समी को अरेस्ट करवाने के लिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, मेरे दर्द को प्लीज समझिए। इस आदमी ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, मैंने बहुत सहा है, इस आदमी ने मुझे क्या से क्या कर दिया। आज अगर मैं समी के साथ शादी ना करती तो आज मेरा भी नेम फेम दौलत पैसा सब कुछ होता। खैर मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ये सब कुछ नहीं। अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो मैं समी से क्यों शादी करती? और जब मैंने समी से रिश्ता जोड़ा था तो समी क्या था? उसे इंडिया में चांस भी नहीं मिला था जब मैंने उससे रिश्ता जोड़ा था। इन सब चीजों को प्लीज आप लोग अच्छे से सोचिए, मुझ पे उंगली उठाना छोड़ दीजिए। उस गुनहगार के गिरेबान जाके पकड़िए कि तुम लोगों तुमने इतना झूठ क्यों बोला। हर मीडिया में हर चैनल में जा के मुझ पे इल्जाम लगाया, झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला। आज अलिजबा इंस्टाग्राम की फैन हो गई, वो इंस्टाग्राम मैं चला रही थी, आज वो मीडिया में आ गई, कल बीबी बन के पास में आ जाएगी, फिर दूसरे लड़कियों के साथ भी गंदगी चलेगा। समाज क्या नहीं सुधारेंगे? ऐसे ही समाज गंदा होता जाएगा।